कभी बिहार में जंगल राज का खौफ था, अब सुशासन राज में खौफ का साया है। 24 घंटे में 3 वारदात से बिहार दहल गया है। बिहार में विपक्षी दल के बड़े नेता के पिता की हत्या की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि आज 2 वारदात में 5 लोगों की हत्या हो गई। सारण में घर में घुसकर पिता और 2 बेटियों को चाकू से गोदकर मार डाला गया। तो वारदातों की सीरियल पर नीतीश सरकार घिरी तो बिहार के मंत्री एनकाउंटर के फॉर्मूले के साथ सामने आए। नीतीश के मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि अपराधियों को गोली मार देनी चाहिए, एनकाउंटर कर देना चाहिए। अगर कोई अपराधी अपराध किया है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी होगी। और हम पुलिस को भी कहना चाहेंगे कि पुलिस को भी अपना कार्यशैली बदलने की आवश्यकता है। इस तरह के अपराधियों का इनकाउंटर आवश्यक है। जब तक इस तरह का इनकाउंटर नहीं होगा, जो इतना घृणित अपराध करता है इसको तो सीधा गोली मारना चाहिए, तभी जाकर के अपराधियों में एक दहशत होगा। तो निश्चित रूप से पुलिस को कार्यशैली बदल करके मजबूती से अपराधियों के साथ पूरा मजबूती से पेश आना। अगर कोई अपराधी अपराध किया है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी होगी। और हम पुलिस को भी कहना चाहेंगे कि पुलिस को भी अपना कार्यशैली बदलने की आवश्यकता है। इस तरह के अपराधियों का इनकाउंटर आवश्यक है। जब तक इस तरह का इनकाउंटर नहीं होगा, जो इतना घृणित अपराध करता है इसको तो सीधा गोली मारना चाहिए, तभी जाकर के अपराधियों में एक दहशत होगा। तो निश्चित रूप से पुलिस को कार्यशैली बदल करके मजबूती से अपराधियों के साथ पूरा मजबूती से पेश आना। और पिछले 24 घंटे में जो वारदात बिहार में हुई है उसे लेकर अब विपक्ष हमलावर है। मंगलवार को जीतन सैनी की हत्या हुई, घर में घुसकर इन्हें मार डाला गया। बुधवार को सारण में ट्रिपल हत्याकांड सामने आया जिसमें पिता और 2 बेटियों को मार दिया गया। वहीं बुधवार की घटना मोतिहारी की है जहां पर डबल मर्डर हुआ है, 2 बुजुर्गों को मार डाला गया है। तो 24 घंटे 3 वारदात बिहार में, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सारण में ट्रिपल मर्डर हुआ है, मुकेश सैनी के पिता की हत्या हुई है जिसमें अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कुछ लोग हिरासत में जरूर लेकर पूछताछ हो रही है। वही तेजस्वी ने एक लिस्ट जारी की है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ आरोप इस वक्त नीतीश सरकार पर लग रहे हैं सुनिए। हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है। आज जो घटना सुबह जो हुई है, हमारे बड़े भाई मुकेश साहनी जी जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। इसका हम लोगों को बहुत दुख है और पूरी परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर जो है उनको मजबूती देने का काम करे। एकदम तुरंत कार्रवाई ही करने का काम किया जा रहा है। एसआईटी का गठन करना, चीजों को अध्ययन करना, पुलिस अपना काम करेगी और पुलिस इसके माध्यम से शीघ्र कार्रवाई करके सबको सलाखों के अंदर बंद करेगी। बिहार जैसे डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाले स्टेट में हम 20 मिनट के अंदर, मेरा 112 का जो प्रावधान हम लोगों ने किया है, तुरंत कार्रवाई के लिए पुलिस पहुंचती है। तो हम देश में सबसे तेज गति से काम करने वाली पुलिस हमारी है। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और कार्रवाई होगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। कोई जो भी अपराधी है उसको बख्शे नहीं जा सकते। शशि भूषण सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि, देखिए ये एक आम तरीका होता है कि जब आप सरकार के साथ होते हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव थे, तब तो उन्हें बिहार में इस तरह का जंगल राज नहीं दिखाई दिया, ना ही वारदात दिखाई दी। तब भी तो होती थी इस तरह की वारदात। अब जब वो अलग हो गए हैं तो इस तरह की चीजें पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वारदात अचानक से बढ़ गई है। 24 घंटे में 3 वारदात, पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है और क्या वाकई विपक्ष को ये मौका मिला है इस तरह से उंगली उठाने का? लेकिन यहाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब आप सत्ता में होते हैं तो कई बार आपकी चुप्पी जो है वो मजबूरी भी बन जाती है। तेजस्वी यादव को भी हमने देखा है, जब वो डिप्टी सीएम थे बिहार के, तो वो ऐसे मामलों पे वो कैसे चुप हो जाते थे। लेकिन हाँ, अभी वो विपक्ष में है और जो घटनाएं बिहार में हो रही हैं, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक वारदात सामने आ रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में केवल वही सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बिहार की आम जनता के दिलो दिमाग में भी ये बात कहीं ना कहीं आ रही है कि आखिर बिहार, जिसमें सुशासन के दावे होते रहे नीतीश कुमार की सरकार में, वहाँ ऐसी घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं।
मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले में अब तक पुलिस आधिकारिक तौर पे कोई खुलासा नहीं कर पाई है। लगातार दावे जरूर किए जा रहे हैं, क्लेम किए जा रहे हैं कि हम पहुंच गए हैं अपराधियों तक, हम पूरी गुत्थी सुलझा लेंगे, 24 घंटे की डेडलाइन कभी की खत्म हो चुकी है, लेकिन अब तक पुलिस ने सामने आके नहीं बताया है कि दरअसल ये पूरा हत्याकांड किस तरह से अंजाम दिया गया, अपराधी पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, तो वो चीज़ें तो थोड़ी अलग आप रख दीजिए। लेकिन दूसरी जगहों पे जो आम लोगों के साथ भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे कारण जो कुछ भी हो, लेकिन सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और इस वक्त स्थिति यह है नया कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनमें भी बहुत सामंजस्य नहीं दिखता है। आप देखिए बीजेपी कोटे के मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, और वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस को गोली मार देना चाहिए, ऐसे अपराधियों को एनकाउंटर कर देना चाहिए। और गृह विभाग, जो बिहार का गृह विभाग है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है, तो क्या जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं वो नीतीश कुमार की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या वो इशारा कर रहे हैं कि बिहार में गवर्नेंस अगर कमजोर हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर अगर दरक रहा है तो उसके लिए पुलिसिंग जिम्मेदार है? तो ये ऐसे सवाल हैं जिसकी तरफ आरजेडी भी इशारा कर रही है, और खुद देखिए बीजेपी नेताओं के जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनका बयान बहुत कुछ हकीकत भी बयां कर रहा है। तो ये ऐसी परिस्थिति है जिसमें सरकार की लगातार फजीहत हो रही है, किरकिरी हो रही है नेहा, लेकिन हाँ इससे निपटना बड़ी चुनौती है, और जब तक लॉ एंड ऑर्डर बिहार में दुरुस्त नहीं होगा तब तक सवाल तो उठते रहेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं बिहार के एक और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा वारदात पर कम लालू राज पर ज्यादा बोल रहे हैं। कानून अपना काम कर रही है, लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और एक्शन भी शुरू है, इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के नाते उनकी जिम्मेवारी है कि सत्ता संरक्षित अपराध है तो वो बताएं कि सत्ता में कौन संरक्षित कर रहा है। आज भी अपराधियों को राजद के लोगों का संरक्षण व्याप्त है और राजद के लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है, और कार्रवाई का सूची वो निकाले तो देखे कि किससे जुड़ा हुआ ज्यादा लोग है। गृह विभाग पूरी तरह से सजग है, एक्शन में है, कार्रवाई भी हो रही है। वही हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के दो केंद्रीय मंत्रियों ने बिहार की वारदात पर लालू राज याद दिलाने लगे हैं। हमारे यहाँ है चलनी कह रहा है सूप से जिसमें सहस्त्र छेद अपने हैं, ये वही लोग है ना जिनके राज में नवविवाहिता बेटियों को गाड़ी से उतार दिया जाता था, गाड़ी छीन ली जाती थी, वो शोरूम से गाड़ियाँ निकाल ली जाती थी। आज ये बता रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान ना दें और अपराधी मुकेश सहनी में भी पकड़े जाएंगे और जो भी अपराध किए हैं उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। पहले जो अपराध होते थे उसको लालू जी की सरकार में पुरस्कार मिलता था, आज एनडीए की सरकार में, नीतीश जी की सरकार में अगर कहीं अपराध हो जाता है तो अपराधी पकड़े भी जाते हैं, कोर्ट से भी उसको सजा मिले, इसके लिए तत्परता से नीतीश जी की सरकार लगती है, लड़ती है, अपराधियों को सजा दिलाती है। यानी कि आरजेडी की सरकार थी, लालू राबड़ी जी की सरकार, उस समय अपराधियों को संरक्षण मिलता था, आज अपराधियों को सजा मिलती है, पकड़े जाते हैं अगर कोई अपराधी अपराध करता है। बिहार में मुकेश सहनी एक बड़े नेता हैं, विपक्षी गठबंधन से जुड़े हैं, उनके पिता की घर में घुसकर हत्या नीतीश सरकार पर एक बड़ा धब्बा लगा सकती है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, कुछ हिरासत में लिए गए हैं, सीसीटीवी भी सामने आया है, लेकिन एक्शन अब भी उसका इंतजार हो रहा है। सत्तर साल के जीतन सहनी के सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। कातिलों ने घर के अंदर जीतन सहनी की निर्मम हत्या को अंजाम दिया। इस हत्याकांड ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया, क्योंकि जीतन सहनी कोई और नहीं बल्कि वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के पिता हैं। मुकेश सहनी पूर्व मंत्री हैं और इंडिया गठबंधन के सहयोगी। दरभंगा के बिरौल इलाके में स्थित ये सुपौल बाजार
का इलाका है जहां पर ये घर आप देख सकते हैं, ये दरअसल मुकेश साहनी का पैतृक आवास है और इसी घर में मुकेश साहनी के पिता जितन साहनी रहा करते थे। हालांकि कई बार जो हमें जानकारी मिली है कि मुकेश साहनी ने अपने पिता को कहा था कि इस घर को छोड़कर पटना में उनके साथ रहें, लेकिन वो क्योंकि ग्रामीण परिवेश में रहते थे तो इस घर में वो अकेले ही रहा करते थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि कातिलों ने रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम दिया। घर के अंदर पुलिस को 3 ग्लास और 3 बाइक मिली है। शक है कि हत्या की साजिश में कोई करीबी शामिल है। इसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 ग्लास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर वालों का कहना है कि मामला रंजिश का नहीं बल्कि जघन्य अपराध का है। अभी तक उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि 70 साल के बुजुर्ग की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। किसी से तो हम लोग को कोई लेना देना भी नहीं था वहाँ पे, और किसी से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, और जो हुआ ये तो मतलब बिना सोच के बाहर की बात है। अभी तक हम लोग सोच ही नहीं पा रहे कि ऐसा हुआ क्यों। घर वालों ने रंजिश की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। अब सवाल है, हत्या के पीछे अदावत नहीं तो कत्ल की वजह आखिर क्या है? अभी तक की घटना की जांच से हम लोगों को ये लग रहा है कि रात में किसी टाइम यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये घर गांव के एक किनारे पे अवस्थित है, जिसके कारण पड़ोसियों को लगता रात में सूचना नहीं मिली है। पुलिस को सुबह 7:15 के लगभग खबर मिली तो तमाम वरीय पदाधिकारी यहाँ तुरंत पहुँचे हैं और SIT टीम का गठन किया गया है। FSL, डॉग स्क्वाड सभी ने आके यहाँ जाँच की है और बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। पुलिस का दावा है कि मौका वारदात से कातिल का सुराग मिल चुका है। 24 घंटे के अंदर कातिल सलाखों के पीछे होगा। 70 साल के जीतन सहनी बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता थे, जिनकी उनके घर के अंदर ही धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ये वारदात दरभंगा के घनश्यामपुर थाना के जीरत गांव की है, जहां जीतन सहनी 8 साल पहले ही पत्नी के निधन के बाद से अपने घर में अकेले रहा करते थे। वारदात के बारे में बिहार पुलिस को सुबह करीब 7:15 सूचना मिली। घटनास्थल पर पहुंचते ही पुलिस ने जीतन सहनी का शत विशत शव मौके से पाया और शुरुआती कार्रवाई के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हेमाफेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा, उसमें गंभीर रूप से घायल करते हुए। घटना के फौरन बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम से लेकर डॉग स्क्वाड तक को बुलाया गया। घटनास्थल के मुआयने से लेकर आसपास की पड़ताल में कई सुराग और सबूत नजर आए, जिसमें कमरे के अंदर 3 ग्लास, कुछ दस्तावेज, 2 बाइक और घटनास्थल से कुछ दूर जीतन सहनी का एक टूटा हुआ लाल बॉक्स भी फेंका हुआ मिला। शुरुआती जांच में पुलिस ने चोरी के शक में हत्या की आशंका जताई, लेकिन फिर SIT का गठन कर जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचने का दावा किया। ह्यूमन इंटेलिजेंस और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है और जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचने का दावा कर रही है। उधर बिहार में सुशासन का दावा करने वाली JDU हो या BJP के नेता, सबका दावा यही है कि मुकेश सहनी के पिता के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ कर सजा दी जाएगी। लेकिन सवाल अपराधियों के पकड़ने का नहीं, बिहार में अपराध पर लगाम लगाने का है, जिसमें इस तरह की वारदात बड़े सवाल खड़े करती है कि क्या बिहार में अपराधियों के बीच पुलिस प्रशासन का डर बचा भी है या नहीं। रोहित कुमार और सुजीत गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।